welcome all students myself amjad hussein so today we are going to start our first unit of applied zoology that is the host parasite relationship and epidemiology okay so in this unit the first topic is the types of host and types of interactions or simply we can say that a different relationship your types of relationship between host and parasite

पेरसाइट डिपेंड डिपेंड करता है या वो ऑर्गेनिज्म जो उन पेरिसाइड्स को पना देता है ठीक है तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं होस्ट बोलते हैं ठीक है जैसे कि होस्ट के टाइप्स देखने से पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेंगे आप सबको पता है जो मलेरियल कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है ठीक है इट्स अ प्रोटोजोन दैट इज कॉल्ड प्लास्मोडियम ठीक है तो प्लास्मोडियम क्या करता है मलेरियल कॉज करता है ठीक है तो मलेरिया हैज टू होस्ट एक ह्यूमन है या मैन जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन इज द होस्ट एंड साथ साथ में जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है इज द सेकेंड होस्ट ऑफ द प्लास्मोडियम ओके सो ये मैन में भी पाया जाता है ठीक है और फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो में भी पाया जाता है ठीक है तो दिस प्लास्मोडियम हैव टू होस्ट तो हम बोल सकते हैं कि इस प्लास्मोडियम के टू होस्ट है तो ये मैन में भी पाया जाता है और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में भी पाया जाता है तो अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो मेनली जो एनोफिलिस मॉस्किटो है उसमें ये जो पेरासाइट है दैट इज अ प्लास्मोडियम अपना सेक्शुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट करता है ठीक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है एंड फीमेल मॉस्किटो में इन्फेक्टिव स्टेजेस डेवलप होते हैं ठीक है जो प्लास्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेजेस है वो इसमें डेवलप होता है किसमें फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में देन जब वो मॉस्किटो एक ह्यूमन को काटता है या एक मैन को काटता है तो उस टाइम पे वो ये इन्फेक्टिव स्टेज फिर ह्यूमन में एंटर होता है ठीक है फिर ह्यूमन में वो अपना एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है देन उसके बाद फिर से जब वो आ, कोई आ, फीमेल मॉस्किटो को फिर काटता है तो ये जो एसेक्सुअल उसका जो फेज है ठीक है एसेक्शुअल रिपोडक्शन वहाँ पर मेल और फीमेल जो प्लास्मोडियम है वो फॉर्म होता है देन जब कोई मॉस्किटो फिर से काटेगा का उस ह्यूमन को तो वो फिर से उस मॉस्किटो में चला जाएगा एंड देन अगेन इट कंप्लीट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल फेज इन दैट मॉस्किटो ठीक है देन इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा ठीक तो uh, है तो इसमें uh, जो फीमेल इनोफिलिस है इट्स द सेकेंडरी होस्ट एंड जो ह्यूमन है दैट इज द प्राइमरी होस्ट ठीक है तो जो फीमेल मो है वो है सेकेंडरी होस्ट और ये जो मेल ह्यूमन है इट्स द प्राइमरी होस्ट ठीक है तो ये एग्जाम्पल था इसका टाइप ऑफ होस्ट का सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी होस्ट तो डियर फर्स्ट टाइप ऑफ होस्ट है इट इज़ द प्राइमरी होस्ट ठीक है तो प्राइमरी होस्ट कौन से होस्ट हैं तो प्राइमरी होस्ट वो होस्ट हैं जो पैरासाइट के एडल्ट स्टेज या जो सेक्चुअली मेच्योर स्टेज है उसको पना देती है ठीक है या आ, वो होस्ट जिनमें जो पैरासाइट है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है या उसमें Uh, sick, वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है तो उन होस्ट को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी होस्ट तो आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं इट इज़ द होस्ट दैट हार्बर्स द एडल्ट स्टेज और सेक्सुअली मैच्योर स्टेज ऑफ अ पैरासाइट और द होस्ट इन विच द पैरासाइट अंडर गोज सेक्शुअल रिपोडक्शन ठीक है जिसमें वो अपना पैरासाइट अपना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है या जो uh, पैरासाइट है उसका सेक्चुअली मेच्योर फॉर्म या एडल्ट स्टेज जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो उस उन होस्ट को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी होस्ट बोलते हैं अगर हम एग्जाम्पल लेंगे ठीक है जैसे कि हम वचिरिया बैनक्राफ्टी की बात करेंगे ठीक है जो फ्लेरिस जो बीमारी है वो कराता है वचिरिया ब्रेनक्राफ्टी तो वचिरिया बेनक्राफ्टी की बात करेंगे तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो है मैन ठीक है मैन इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ वचूरिया बैन एंड अगर हम आ, बात करेंगे प्लास्मोडियम की दैट इज प्लास्मोडियम विवेक्स की बात करेंगे तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो है आ, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्योंकि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है इसमें जो प्लास्मोडियम विवेक्स है अपना सेक्सुअल जो साइकिल है वो कंप्लीट करता है दैट इज़ वहाँ पे वो गेमिट और आ, फीमेल गेमिट और मेल गेमिट का फॉर्मेशन करता है ठीक हैमिट मे, गे, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फॉर्म होते हैं ठीक है इनका डेवलपमेंट यहाँ पे होता है प्लास्मोडियम विवेक्स के किसमें फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में देन इनका फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन जाइगोड फॉर्म होता है देन वहाँ पे जो इन्फेक्टिव स्टेज है लार्वा फॉर्म होता है फिर लार्वा से देन इन्फेक्टिव स्टेज जो मैन को इन्फेक्ट करता है मेन्स वो अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल स्टेज है या एडल्ट स्टेज है वो इस फीमेल एनोफिलिज मॉस्किटो में कंप्लीट करता है इसीलिए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज़ द प्राइमरी होस्ट ऑफ प्लास्मोडियम विवेक्स वैसे ही वेटेरिया बेनक्राफ्टी की बात करेंगे तो वो अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेन में कंप्लीट करता है तो मेन इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ वेटेरिया बेनक्राफ्टी ठीक है तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इज द सेकेंडरी होस्ट या जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट अब इसमें क्या होता है हम इसके डिफिनेशन देंगे तो इट इज द होस्ट इट इज द होस्ट

इमेच्योर जो डेवलपिंग लार्वा है या इमेच्योर एक्सेक्चुअल स्टेजेस है कि इसके पैरासाइट के उनको हार्बर करता है उनको पना देता है ठीक है या सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन होस्ट में जो पैरासाइट है अपना एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, है हम सिंपली बोल सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ होस्ट इन दिस टाइप ऑफ होस्ट द पैरासाइट द पेरासाइट अंडर गोस एसेक्सुअल रिपोडक्शन ठीक है तो ये वो होस्ट है जहाँ जो पेरासाइट है अपना एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है या उनमें जो एसेक्शुअल स्टेजेस हैं या इमेच्योर स्टेज या जो डेवलपिंग ला रहा है वो बना लेता है तो उन होस्ट को हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं ठीक है थीके? अगर हम एग्जाम्पल लेंगे किसका वही क्रॉफ्टी की बात करेंगे तो जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इट इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ वोचुरिया ब्रेनक्रॉफ्टी और अगर हम प्लास्मोडियम विवेक्स की बात करेंगे ठीक है अगर हम प्लास्मोडियम विवेक्स की बात करेंगे तो उसका सेकेंडरी होस्ट कौन है ठीक है तो मेन इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ प्लास्मोडियम विवेक्स ठीक है तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट तो वैसे ही अभी जो मॉस्किटो है फीमेल सॉरी प्लास्मोडियम प्लास्मोडियम का प्राइमरी होस्ट था कौन प्राइमरी होस्ट था मॉस्किटो कौन सा मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट कौन है मैन तो वैसे ही वचूरिया बैन क्राफ्टी का प्राइमरी होस्ट था कौन मैन सेकेंडरी होस्ट कौन है क्यूलेक्स मॉस्किटो ठीक है तो ये जो प्लास्मोडियम विवेक से अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है किसमें मॉस्किटो में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीट करता है मैन में, में तो वैसे ही वचूरिया बेन क्राफ्टी की बात करेंगे तो ये अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कम्प्लीट करता है किसमें मैन में और जो ए सेक्शुअल है वो कंप्लीट करते हैं किसमें क्यूलेक्स मॉस्किटो में, में. इसीलिए इसका प्राइमरी होस्ट कौन है मैन और सेकेंडरी होस्ट कौन है क्यूलेक्स मॉस्किटो तो वैसे ही प्लास्मोडियम का है प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो एंड सेकेंडरी होस्ट है मैन ठीक है तो ये हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट थर्ड टाइप ऑफ होस्ट इज पैराटीनिक होस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियर होस्ट या ट्रांसपोर्ट होस्ट तो इसमें क्या होता है जो इट्स एन इंटरमीडिएट होस्ट विच इज नॉट नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पैरासाइट बट नंथ लेस सर्व्स टू मेंटेन द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट तो एक इंटरमीडिएट टाइप होस्ट है जिस जो जिसमें पैरासाइट अपना जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो कंप्लीट नहीं करता है बट वो इम्पॉर्टेंट है उसके लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए ठीक है तो इसमें कोई भी सेक्सुअल uh, हो या एसेक्सुअल हो स्टेजेस कंप्लीट uh, नहीं होते हैं ठीक है बट वो उसमें एज ए स्टोर स्टोरेज जैसा रहता है ठीक है जहाँ पे जो पैरासाइट है वो उसमें स्टोर रहता है ठीक है देन जब जरूरत होगी उस टाइम पे इट विल इन्फेक्ट द डिफिनेटिव होस्ट ठीक है सो तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऐसे इंटरमीडिएट होस्ट विच इज़ नॉट नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पैरासाइट बट नैस सर्व्स टू मेंटेन द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट ठीक है या हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ ए होस्ट वेयर द पैरासाइट रिमेन्स वायबल विदाउट फर्दर डेवलपमेंट तो ये वो होस्ट है जिसमें जो पैरासाइट है वो उसमें जिंदा रहता है ठीक है विदाउट एनी डेवलपमेंटल चेंजेस ठीक है उसमें कोई डेवलपमेंटल चेंजेस नहीं होगा सिर्फ वो एज ए रिजर्वायर की तरह या इंटरमीडिएट या स्टोरेज की तरह या डम की तरह काम करेगा जैसे हम एग्जांपल ऐसा बोल सकते हैं ए पैराटेनिक होस्ट इज सिमिलर टू एन इंटरमीडिएट होस्ट एक्सेप्ट दैट इट इज़ नॉट नीडेड फॉर द पैरासाइड डेवलपमेंट साइकिल टू प्रोग्रेस ठीक है तो वो इंटरमीडिएट होस्ट की तरह ही रहता है बट उसमें कोई भी डेवलपमेंटल प्रोसेस या डेवलपमेंटल साइकिल नहीं होता है ठीक है जिससे पैरासाइट डेवलप हो सके या एसेक्सुअल फेज में या सेक्सुअल फेजेस में ठीक है तो हम सिंपल बोल सकते हैं इसे ए फॉर नॉन मेचुअर स्टेजेस ऑफ ए पैरासाइट ठीक है जो नॉन मेचोअर स्टेजेस है जैसे कि एक्स हम बोल सकते हैं तो वो स्टेजेस या जो नॉन मेच्योर स्टेजेस है वो उसमें स्टोर रहते हैं ठीक है और वहाँ पे उस पर्टिकुलर होस्ट में वो एकमुलेट होते रहते हैं ठीक है तो उनका जो पॉपुलेशन है वो उसमें बढ़ता जाएगा जैसे ही वो एक्मिनेट होते जाएंगे ठीक है तो वहाँ पे उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होता है तो हम एग्जांपल लेंगे इस पेरेटिनिक होस्ट का तो आ, एक ट्रिमेटोड है दैट इज इलारिया अमेरिकाना ठीक है तो इसका जो लार्वा है दैट इज मिजो सर्केरियल लार्वा ठीक है इट रिजाइड्स इन द टेट पोल्स तो मेनली ये जो लार्वा है वो कहाँ पाया जाता है टेटपोल्स भी पाया जाता है सो टेटपोल इज़ द सेकेंडरी होस्ट ठीक है सो यह टेटपोल इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो है कैनेट ठीक है दैट इज द कोई भी कैनाइन uh, फैमिली से बिलोंग करता है जैसे कि डॉग्स है वॉल्स है ठीक है तो वो सब इस कैनेड uh, में आता है ठीक है so, सो इसका जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज़ अ कैनेड एंड सेकेंडरी होस्ट इज़ द टेटपोल तो इसके बीच में अब देखो टेटपोल को डायरेक्टली ये कैनेड नहीं खाता है ठीक है तो टेटपोल को खाता कौन है दैट इज द स्नेक्स तो मेनली स्नेक्स इस टेटपोल को खाता है ठीक है तो जो टेटपोल में ये मीजो सर्कैरियल लार्वल्स रिजाइड करते हैं ठीक है तो वो यहाँ से यहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं ठीक है सो दे हैव टू ट्रेवल थ्रू अट पैराटिनिक होस दैट इज द स्नेक्स तो स्नेक्स जब ट्रेडपोल को खाएंगे तो उस टाइम पे ये जो लार्वा है वो इसमें स्नेक्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे ठीक है तो जितना स्नेक जितना ट्रेट को खाएगा उतना जो लार्वा का कंसनट्रेशन है वो उस स्नैक्स में बढ़ता जाएगा बट इट विल नॉट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द स्नैक ठीक है तो वो सिर्फ वहाँ पर प्रजेंट रहेंगी उस स्नक के अंदर वो अपना कोई डेवलपमेंटल स्टेजस कम्प्लीट नहीं करेगा स्नैक के अंदर ठीक है सो वेन दिस स्नैक इज़ इटन बाय द कैनिट जब इस स्नैक को कैनिट इटन करेगा दैन द वो जो लार्वा है स्नैक के अंदर वो इस कैनिट के अंदर एंटर हो जाएगा दैन इट विल इफेक्ट इन दिस कैनिट एंड कम्प्लीट इट्स डेवलपमेंटल स्टेजज ठीक है तो वो इस कैनेट के अंदर अपना डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट करेगा और अपना जो लाइफ हिस्ट्री है वो टोटली totally कंप्लीट करेगा तो टेटपुर में भी अब उसने आधा अपना लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट किया है देन इस कैनिट में भी अपना लाइफ हिस्ट्री वो कंप्लीट करेगा इसमें एसेक्सुअल इसमें सेक्सुअल तो वैसे ही जो स्नैक्स है स्नैक्स में सिर्फ वो स्टोर एज ए स्टोर रहते हैं एज ए डम्प फॉर इमेचर स्टेजेस वो बिहेव करता है ठीक है जब ये स्नैक्स को ये खाएगा तभी जाके वो जो लार्वा है इसको इन्फेक्ट कर पाएगा और अपना जो लाइफ स्टेज है या जो अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर पाएगा जब तक ये स्नेक को नहीं खाएगा तब तक वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा ठीक है सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ पेराटीनिक होस्ट इज अर होस्ट इट इज ऑल्सो नोन एज अ टेम्पोरे होस्ट ठीक है इट लोज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ अ पेरासाइट इन इट्स बॉडी वेन द मेन होस्ट इज नॉट अवेलेबल जब जो मेन होस्ट है वो अवेलेबल नहीं होगा तब ये जो टेम्परेरी जो पैरासाइट है उसको पना देता है ठीक है और मेनली कौन से स्टेजेस को जो इन्फेक्टिव स्टेजेस हैं उसको पना देता है वो रिजर्वायर होस्ट ठीक है तो इट्स ए होस्ट इन एबसेंस ऑफ द परमानेंट होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट जब डेफिनेटिव होस्ट एबसेंट होगा तो उस टाइम पे ये जो रिजर्वायर होस्ट है वो इन पैरासाइट्स को जो इन्फेक्टिव स्टेज है पैरासाइट के उनको पना देता है ठीक है और आ, सेम है जैसे पेरेंटिक होस्ट में था ये वैसे ही रिजर्वायर होस्ट में भी ये जो पैरासाइट से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करता है, या इन में आ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लाइफ साइकिल के लिए ठीक है तो दे आर जस्ट टेम्परेरी होस्ट ठीक है तो आ, हम ऐसा बोल सकते हैं लाइक आ, और ये जो रिजर्वायर होस्ट है दे आर दे आर नॉट एसेंशियल फॉर द पेरासाइट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ठीक है तो वो उनके पैरासाइट के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है एसेंशियल नहीं है अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल इज द मंकी ठीक है तो मंकी क्या है मंकी इज़ द रिज़र्वायर होस्ट फॉर प्लासमोडियम तो प्लासमोडियम के लिए जो मंकी है वो क्या है रिजर्वायर uh, होस्ट है ठीक है तो ये जो रिजर्वायर uh, होस्ट है uh, इसमें उसके इन्फेक्टिव स्टेजेस रहते हैं बट ये रिजर्वायर होस्ट को इन्फेक्ट नहीं करता है ठीक है उसमें इन्फेक्शन नहीं कराता है सिर्फ वहां पे वो एज ए स्टोर रहते हैं ठीक है फिफ्थ वन इज द होस्ट ओके सो वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसफर द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ए पेरासाइड फ्रॉम वन मेन होस्ट टू अनदर तो वेक्टर वो होस्ट है जो पेरासाइड के इन्फेक्टिव स्टेज को ट्रांसफर करता है कहां से एक मेन होस्ट से दूसरे होस्ट के पास ठीक है किस को मेन ली दीक है जो इन्फेक्टिव स्टेज है किसका पैरासाइट का उसको ट्रांसफर करता है कहाँ वन मेन होस्ट से अनदर होस्ट को तो उन होस्ट को हम क्या बोलते हैं वेक्टर होस्ट बोलते हैं ठीक है तो ये इन होस्ट में क्या होता है जो पैरासाइट है वो अपना लाइफ साइकिल का थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट करता है ठीक है एंड बहुत इम्पोर्टेंट रहता है किसके लिए जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्टिव स्टेज का ठीक है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर सो पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ होस्ट ऑफ पेरासाइट सॉरी नॉट होस्ट ऑफ पैरासाइट टेक्स प्लेस इन दीज होस्ट ठीक है साथ साथ में एंड इस इंस्ट्रूमेंटल या हम एसेंशियल बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रांसमिशन किसमें ट्रांसमिशन में ऑफ इन्फेक्टिव स्टेजस ऑफ इंफेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट फ्राम वन होस्ट टू अनदर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो वैक्टर होस्ट थे किस में ट्रांसमिशन ऑफ या ट्रांसफर ऑफ पैरासाइट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ठीक है तो जो ये वेक्टर है दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ठीक है दो टाइप्स के रहते हैं एक है मैकेनिकल होस्ट और दूसरा है बायोलॉजिकल होस्ट ठीक है जो मैकेनिकल होस्ट है इट मेयरली ट्रांसफर द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ए पेरासाइट बट नो पार्ट ऑफ पेरासाइटिक डेवलपमेंट टेक प्लेस इन इट ठीक है तो ये सिर्फ क्या करता है सिंपली या हम बोल सकते हैं मेयरली ओनली या ओनली हम बोल सकते हैं ओनली ट्रांसफर द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ अ पैरासाइट ठीक है तो ये सिर्फ जो इन्फेक्टिव स्टेज है पैरासाइट का उसको ट्रांसफर करता है और वो जो पैरासट है वो अपना कोई भी डेवलपमेंटल स्टेज इस पेर, इस मैकेनिकल uh, होस्ट में कंप्लीट नहीं करता है तो नो डेवलपमेंटल स्टेज या हम ऐसे बोल सकते नो डेवलपमेंट of parasite of parasite takes place in this host तो mechanical host में parasite का कोई भी developmental stage complete नहीं होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है जो infective stage है उसको transfer करता है एक host से दूसरे host का अगर हम इसका example लेंगे तो house fly आता है इसमें house flies या uh, cockroaches आते हैं तो आपको पता है तो जो हाउस फ्लाइज हैं या कॉकरोचेस हैं वो आ, अपने जो बॉडी पार्ट्स के थ्रू पैरासाइट्स को कैरी करते हैं ठीक है जो इन्फेक्टिव पैरासाइट्स हैं उनको कैरी करता है और एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुँचाता है बाय कंटामिनेशन ऑफ फूड्स वाटर एंड अदर सोर्सेज ठीक है तो वो फूड पानी और जो फूड मटेरियल्स हैं उनको कंटामिनेट करता है तो उस कंटामिनेटेड फ़ूड जब कोई खाता है कोई इंसान खाता है कोई ह्यूमन खाता है तो वो जो लार्वा उसके पैरों पे लगा हुआ है वो उस कंटामिनेटेड फूड के थ्रू या जो एक्स हैं उन हाउस फ्लाई या कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स पर लगे हुए हैं वो फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू उस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है सो so, तो वो जो पैरासाइट है वो उस ऑर्गेनिजम में या उस हाउस फ्लाई या कॉकरोच में अपना कोई डेवलपमेंटल स्टेज कंप्लीट नहीं करता है वो सिर्फ वहाँ पे अटैच हो जाते हैं देन उसके बाद अटैच होने के बाद दे आर जस्ट मेयरली वेक्टर्स तो वो उसको कैरी करके लेके आते हैं ठीक है किसके पास ह्यूमन जो फूड है तो फूड के ले ले आने के बाद फिर उस फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं फिर जब हम वो कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं तो वो जो पैरासाइट है हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और हमको इन्फेक्ट करता है ठीक है सो दिस होस्ट ओनली मेयरली एक्ट एज अ करियर या ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मर ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ अ पेरासाइट ठीक है तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो बात करेंगे दट होस्ट है इसी में वैक्टर में दायोलॉजिकल वैक्टर होस्ट सो इट इज द वैक्टर इन विच द पेरासाइट इट इज द वेक्टर तो इन विच पैरासाइट अंडर गोस अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट तो इनमें जो पेरासाइट है वो डेवलपमेंट में चला जाता है मीन्स उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है इन होस्ट में जो पेरासाइट्स का ठीक है बिफोर कब बिफोर इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू अनदर होस्ट ठीक है तो दूसरे होस्ट को ट्रांसफर होने से पहले इनका थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है ठीक है ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस इन दिस बायोलॉजिकल वेक्टर होस्ट बिफोर द पैरासाइड इज़ ट्रांसफर टू अनदर होस्ट उनके दूसरे को ट्रांसफर दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होने से पहले इन होस्ट में उस पैरासाइट का थोड़ा सा डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का इन द केस ऑफ प्लास्मोडियम और फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो का इन द केस ऑफ वोचीरिया तो इन दोनों होस्ट में तो so, ये जो दोनों एनिमल्स हैं दैट इज़ द फीमेल एनोफलीस और फीमेल क्लिक्स ये दोनों एज ए बायोलॉजिकल वेक्टर होस्ट बिहेव करते हैं और इनमें जो प्लास्मोडियम है और जो वटेरिया बैन क्रॉफ्टी है इनका जो प्रोसेस uh, है लाइफ साइकल है उसका थोड़ा सा पार्ट इनमें कंप्लीट होता है और बिफोर ट्रांसफरिंग द पेरासाइड टू द अदर होस्ट ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट in host parasite relationship